लेबनान के कई शहरों में 17 सितंबर की दोपहर करीब 3:30 पर सिलसिलेवार तरीके से हजारों धमाके हुए। दावा है कि ये धमाके करीब एक घंटे तक होते रहे। ये ऐसा हमला था जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए जो पेजर मौजूद थे वो एक के बाद एक फटने लगे। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर करीब 5,000 धमाके हुए हैं। इनमें से कुछ सीरिया में भी हुए। इस धमाके की वजह से 11 लोग मारे गए जबकि करीब 3,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले का आरोप इसराइल पर लगाया जा रहा है। दावा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस हमले को अंजाम दिया है। इतने बड़े स्तर पर इस तरह का हमला पहले कभी नहीं देखा गया है। ऐसे में इस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहस छिड़ गई है। हिजबुल्लाह पर मौजूदा हमले की वजहों में ही इससे बचाव का भी तरीका समझा जा सकता है। भारत में ऐसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाव के लिए क्या क्या किया जा रहा है ये भी जानेंगे। सबसे पहले लेबनान पेजर अटैक के कारणों के बारे में जानते हैं। तो पेजर में विस्फोट के दो तरीके हो सकते हैं। या तो उसे हैक करके विस्फोट करवाया गया हो या फिर पेजर में पहले से विस्फोटक मौजूद हो और उसमें रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाके करवाए गए हों। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेजर को हैक करके उसे रिमोटली विस्फोट करना मुश्किल है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि इसराइल ने पेजर के सप्लाई चेन में घुसपैठ करके उनमें विस्फोटक लगवाए, पेजर को ही विस्फोटक डिवाइस बना दिया, या यूं कहें तो एक तरह का हथियार बना दिया। दरअसल हिजबुल्लाह को ये पेजर विदेशी चैनल के जरिए मिला। इन पेजर्स के नए शिपमेंट की खुफिया जानकारी संभवतः इसराइल को मिली होगी। इस काम में मोसाद के एजेंट लगे होंगे। पेजर ब्लास्ट करने वाले हमलावरों ने इन्हें फिजिकली मॉडिफाई किया होगा ताकि इन्हें रिमोट से फोड़ा जा सके, इन्हें एक साथ ट्रिगर किया जा सके। जिन पेजर में धमाके हुए वो ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के बताए जा रहे हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने ये पेजर नहीं बनाए, इसे यूरोपियन कंपनी BAC ने बनाए हैं जिन्होंने गोल्ड अपोलो के ब्रांड नेम इस्तेमाल करने का लाइसेंस ले रखा है। हमले के लिए सप्लाई चेन का इस्तेमाल किया गया, ऐसी कंपनी चुनी गई जिसके बारे में दुनिया को कम जानकारी या कोई जानकारी ना हो। गौर करने वाली बात ये भी है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के डर से ही मोबाइल या दूसरे डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल बंद कर दिया था। उन्होंने पेजर्स का इस्तेमाल शुरू किया लेकिन इसमें भी धमाके से वो खुद को नहीं बचा सके। अब हम अपने देश की बात करते हैं तो भारत ने पहले ही ऐसे हमलों को रोकने के इंतजाम कर रखे हैं। सरकार हमेशा पब्लिक कम्युनिकेशन वाले हार्डवेयर पर नजर रखती है, उनसे पैदा होने वाली दिक्कतों को खत्म कर देती है। जैसे भारत के 5G तकनीक में चीन जैसे देशों की घुसपैठ को रोका गया, यानी उनकी तकनीक को भारत नहीं आने दिया गया। ये जरूरी है कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए विदेशी तकनीक का इस्तेमाल देश में न हो, खास तौर से दुश्मन देशों के। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस महीने के शुरुआत में ही कहा था कि भारत में अपनी 5G तकनीक बन रही है, ये काफी ज्यादा एडवांस है, लंबे समय के लिए देश की सुरक्षा के लिए ये फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि विदेश से मंगवाए गए डिवाइसेस का इस्तेमाल बंद किया जाएगा, जैसे CCTV कैमरा कहीं ना कहीं से चीन से जुड़ जाती है, इनके जरिए भी सुरक्षा को खतरा रहता है। साफ है कि दुश्मनों के हड़चाल का जवाब देने के लिए भारत पहले से ही मुस्तैदी बरत रहा है।